जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करने के लिए तो सेना पूरी ताकत से ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। पत्थरबाजों को काबू में रखने के लिए सीआरपीएफ भी मुस्तैद है, मगर अब स्नाइपर राइफलें और रडार के साथ एनएसजी कमांडो भी घाटी में उतार दिए गए हैं। आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए घाटी में एनएसजी की तैनाती की गई है। हालांकि घाटी में कई एजेंसियां भेजने की वजह से सेना को कुछ एतराज था, लेकिन पिछले ही महीने गृह मंत्रालय ने इनकी तैनाती को हरी झंडी दे दी थी। फिलहाल एनएसजी बीएसएफ के साथ मिलकर उनके कैंप में ट्रेनिंग कर रही है। जम्मू में फिलहाल एनएसजी की हेड हाउस इंटरवेंशन की टीम भेजी गई है। हाउस इंटरवेंशन टीम हॉस्टेज परिस्थिति से निपटने में बहुत कारगर साबित होती है। अभी तक ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सेना और सीआरपीएफ अपना अभियान चलाती हैं। ऑपरेशन के दौरान वह फायर पावर का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, जिनके कारण सुरक्षा कर्मी या आम नागरिकों को ज्यादा क्षति पहुंचती है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2017 में सुरक्षा बलों के 82 लोग मारे गए थे और इस साल अब तक करीब 34 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं आम लोगों की बात करें तो 2017 में 68 लोग मारे गए थे और इस साल अभी तक 38 लोग मारे गए हैं। गृह मंत्रालय का मानना है कि हिट हाउस इंटरवेंशन टीम के जरिए ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा जिससे मरने वालों का आंकड़ा कम किया जा सके, क्योंकि ये सभी काफी ट्रेंड स्नाइपर होते हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि एनएसजी की टीम अभी तक लाइव ऑपरेशन नहीं करती थी, वह सिर्फ ट्रेनिंग करती थी। अब वह एनकाउंटर में भी शामिल होगी। गौरतलब है कि पिछले काफी महीने से जम्मू में एनएसजी की तैनाती की बात की जा रही थी। अब जबकि कश्मीर में महबूबा सरकार गिर चुकी है और अगले 6 महीने के लिए राजपाल शासन लगा दिया गया है, तो मोदी सरकार इन 6 महीने में ही आतंक का पूरी तरह से सफाया कर देना चाहती है। घाटी में पत्थरबाजों की सुरक्षा करने वाले महबूबा सरकार से समर्थन वापसी के साथ ही सेना व अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों को फ्री हैंड मिल गया है और सभी पूरी ताकत के साथ मिशन पर लग गए हैं। सुरक्षा कर्मी और आतंकियों के साथ साथ उनकी सहायता करने वालों को भी खत्म करने के आदेश दे दिए गए हैं। एनएसजी की तैनाती से स्पष्ट है कि मोदी कश्मीर में आतंकवाद खत्म करके ही रहेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।